स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे दोनों माननीय मंत्रियों को, साथ में हमारे इंडस्ट्री लीडर्स, हमारे माननीय सचिव, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 450 एग्जिबिटर्स इस एग्जिबिशन एरिया में। और अब प्रधानमंत्री जी आगे यहाँ पर सबसे पहले स्टॉल की तरफ, और ये रिलायंस जियो में यहाँ पर श्री आकाश एम अम्बानी, चेयरमैन रिलायंस जियो इन्फोकॉम, उनका स्वागत करते हुए उन्हें बताते हुए, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये जियो का एंड टू एंड 5G टेक्नोलॉजी स्टैक है। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन हैज़ नाउ बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द कंट्री एंड इट इज़ होस्टिंग ऑलमोस्ट 50 million प्लस जियो कस्टमर्स। दिस इज़ बीन शोकेस्ड हियर। और आकाश एम अम्बानी, चेयरमैन रिलायंस जियो इन्फोकॉम, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस स्टॉल में प्रदर्शित जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका संज्ञान देते हुए, रिलायंस जियो द्वारा अपने पवेलियन में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित और निर्मित टेक्नोलॉजीज जो भारत में भारतीयों द्वारा और दुनिया के लिए बनाई गई हैं, डिस्प्लेड हैं। यहाँ पर एयर फाइबर टेक्निक भी है जिसमें कनेक्टिंग एवरी इंडियन होम, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, भारत के सभी घरों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए यह रिलायंस जियो की यूनिक एयर फाइबर टेक्निक है, जिसे अब माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, उनके साथ श्री आकाश एम अम्बानी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को इस टेक्नोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए रिलायंस जियो के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण। यहाँ पर जियो भारत डिवाइस भी डिस्प्लेड है। ये है जियो का यूनिक 4G फ़ोन है, जो 2G कस्टमर्स को 4G पर जाने और 2G मुक्त भारत के सपने को पूरा करने में सक्षम करेगा। और अब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जियो भारत, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, यह यूनिक 4G फ़ोन है और इसके माध्यम से 4G पर जाते हुए हम 2G मुक्त भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। यहाँ पर जियो भारत डिवाइस, जियो का ये यूनिक 4G फ़ोन भी यहाँ पर डिस्प्लेड है, प्रदर्शित है। रोबस्ट 4G नेटवर्क, ये सभी डिवाइसेस जियो भारत डिवाइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को ब्रीफ कर रहे हैं श्री आकाश एम अम्बानी, चेयरमैन रिलायंस जियो। और यहाँ पर अब प्रधानमंत्री जी जियो स्पेस फाइबर नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी जा रही है। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन प्रोवाइड्स वेरी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड केपेबिलिटी लाइक 5G, इवन एक्सटेंडिंग इट टू द रिमोट एरियाज। एंड दिस हाई स्पीड सर्विस विल बी यूनिक टू जियो एंड विल बी एबल to connect remote communities that are currently unconnected. तो दूर दराज के इलाकों में सर्विसेज हमारे कैसे पहुँचें, इसकी तरफ ये नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम जियो का, जिसको अभी माननीय प्रधानमंत्री जी देखते हुए
और यहाँ पर अब कौशल विकास सहित नागरिक सेवाओं के लिए AI आधारित बहुभाषी डिजिटल सशक्तिकरण टेक्नोलॉजी, ये सब भी यहाँ पर डिस्प्लेड है। This, ladies and gentlemen, is sure to revolutionize programs like Skill India. Kaushal Vikas Sahit, this is AI-powered skill development technology. स्क्रीन पर आप माननीय सचिव महोदय उन्हें भी देख सक रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको आकाश एम अम्बानी जी उनको जानकारी देते हुए। और यहाँ पर अब तीव्र कनेक्टिविटी और इमरजेंसी कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स सिस्टम आपदा प्रबंधन के लिए समाधान, यह एक संपूर्ण आपातकालीन प्रतिक्रिया समाधान है जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए एक वरदान साबित होगी। सो टुवर्ड्स डिजास्टर मैनेजमेंट द टेक्नोलॉजी द टेक्निक्स विच आर बीइंग शोकेस्ड हियर द इमरजेंसी कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स सिस्टम द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर इज बीइंग ब्रीफ्ड अबाउट दीज technologies here. और अब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर इंडिया में बनेगा इन डिवाइसेस का यहाँ पर उनको जानकारी दी जा रही है और अब प्रधानमंत्री जी रिलायंस जियो के अरीना से नेक्स्ट अरीना भारतीय एयरटेल के अरीना में और यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं चेयरमैन श्री सुनील भारती मित्तल जी और भारतीय एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO श्री गोपाल मित्तल जी। जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं देवी सज्जनों, ये एक आधुनिक एयरटेल डिजिटल ट्री है। दिस ट्री एग्जिबिट्स प्राइम मिनिस्टर्स विजन टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इंडिया, चाहे वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो या स्टार्टअप इंडिया हो या फिर PM गति शक्ति प्रोग्राम हो। दिस ट्री एग्जिबिट्स द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सर इज बीइंग ब्रीफ्ड अबाउट दिस एंड एयरटेल लेडीज एंड जेंटलमैन इज रियलाइजिंग दिस विजन थ्रू अ स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल एंड AI पावर्ड नेटवर्क। यह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, यह है AI पावर्ड सेल्फ ऑप्टिमाइज नेटवर्क, भारत की टेलीकम्युनिकेशन का भविष्य है। एयरटेल अपने इस अरीना में शोकेस कर रहा है, दिखा रहा है। रीइमेजिनिंग नेटवर्क एक्सपीरियंस, this is where the honorable prime minister right now in the Bharti Airtel arena is. And moving further, ladies and gentlemen, we now can see reimagining satellite communication. Bharti Enterprises is also presenting the first low earth orbit LEO communications network through Eutelsat OneWeb. इस लियो नेटवर्क से देश के सुदूर इलाके, चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़ हो या दूर दराज के गांव हो, दिस नेटवर्क विल इंश्योर एनी टाइम एनी वेयर कनेक्टिविटी, लीविंग नो वन बिहाइंड। और श्री सुनील भारती मित्तल जी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस लियो कम्युनिकेशंस नेटवर्क के बारे में जानकारी देते हुए।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा से कहा है कि ज़रूरी है कि हम देश के कोने कोने तक सर्विसेज भारत सरकार की नीतियों को लेके जाएं और इसके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज सुदूर इलाके में हर जगह लेके जाते हुए कैपेबल हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं री इमेजिनिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंड आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर has always been very interested in these new technologies. In fact, there have been so many times Prime Minister sir has guided the industry towards these new technologies. Unka apna rujhan in nayi technologies mein kafi raha hai. Woh nayi technologies ka prayog istemal karte aaye hain. Aur yahan par aap aage dekh rahe hain intelligent digital infrastructure jo build kiya ja raha hai. Airtel data center displays ko dekhte hue Pradhanmantri ji this powers the digital infrastructure used by all of us for various purposes be it the content consumption or the financial services and the other services ye sabhi yahan par displayed hai atyadhunik green energy powered data centers jo desh ke 65 se bhi adhik shaharon mein मौजूद हैं। अभी आप बीच में ये जो लाल रंग का देख रहे हैं ये डिजिटल ट्री है और जैसा कि आपको पहले बताया गया ये डिजिटल ट्री एयरटेल के पवेलियन में शोकेसिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल विजन। प्रधानमंत्री जी अब एयरटेल के अरीना से आगे बढ़ते हुए और उनके साथ हमारे माननीय मंत्रीगण और अन्य और यहाँ पर एरिक्सन के अरीना में अब प्रधानमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी एरिक्सन बूथ में आप उन्हें देख सकते हैं और एरिक्सन भारत में दिव्य सजनो 120 वर्ष से है और भारत में 2G 3G 4G और 5G टेक्नोलॉजीज प्रदान करता है। एरिक्सन के यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारीगण माननीय प्रधानमंत्री जी को 6G जोन में यहाँ पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने एक लाल रंग की टी शर्ट है, इस टी शर्ट में हज़ारों सेंसर्स लगे हुए हैं। एरिक्सन इंडिया के MD श्री नितिन बंसल जी माननीय प्रधानमंत्री जी को इन 6G जीरो एनर्जी डिवाइसेस के अनुप्रयोग के बारे में बता रहे हैं। जीरो एनर्जी डिवाइसेस के साथ डेटा आपके मोबाइल या टैबलेट पर एक बटन के क्लिक पर आसानी से उपलब्ध हो सकता है। ये टी शर्ट जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर सेंसर्स हैं और इससे सेंसर्स के माध्यम से डेटा को कैप्चर किया जाता है। और ये तो आप टी शर्ट पर ये सेंसर्स देख रहे हैं, पर कल्पना कीजिए कि ये सेंसर्स ज़मीन में हैं और तब फल और सब्जियां भी आपसे बात कर पाएंगे, आपको बता पाएंगी कि उन्हें पानी की आवश्यकता है या फसल के लिए पूरी तरह से फसल पूरी तरह से पक गई है या मिट्टी में कोई समस्या है। तो ये सेंसर्स ये सब को गेज करते हुए ये सब जानकारी दे सकेंगे और बिजली उत्पन्न करने के लिए भी उपकरण अपने आसपास की दुनिया से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे जो डिवाइसेस वहाँ पर हैं सेंसर्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी जा रही है। सो इट इज़ जस्ट capturing the sensors capture the information with a click of a button. You have it on your mobiles or tablets. The data is analyzed and the further action can be taken. This is going to be completely revolutionizing, ladies and gentlemen, the analysis of the data and then coming up with solutions. 6G जीरो एनर्जी डिवाइसेस, और क्योंकि ये डिवाइसेस बिजली उत्पन्न करते हैं अपने आसपास की दुनिया से और 6G पर हैं
तो इन्हें 6G जीरो एनर्जी डिवाइसेस यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री जी अब देखते हुए। एरिक्सन के अरीना में प्रधानमंत्री जी, और अब प्रधानमंत्री जी यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हुए और हॉल नंबर 5 से यहाँ से गुजरते हुए वो अन्य जो यहाँ पर डिस्प्लेड हॉल्स हैं, आत्मनिर्भर पवेलियन आप देखेंगे, स्वदेशी भारत के में निर्मित अनेक सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज़ का डिस्प्ले यहाँ पर है, आगे चल के स्टार्टअप पवेलियंस हैं। ये प्रधानमंत्री जी हॉल नंबर 5 से गुजरते हुए और प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों में हमने देखा है कि ना केवल लाखों लोगों के जीवन में सुधार आया है, बल्कि उनके सपनों को सपने साकार हो रहे हैं। कुछ नया और बड़ा सोचने के लिए लोग प्रेरित हैं आज, और हमारे देश को विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है प्रधानमंत्री जी ने। और अब आगे यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अरीना में टेलको को टेको में बदलने के अपने विजन के अनुरूप वोडाफोन आइडिया बेहतर जीवन के लिए नवीन तकनीकी समाधान प्रदर्शित कर रहा है। इस स्टॉल में वोडाफोन भारत के पहले एडवांस पोर्ट मैनेजमेंट IoT सॉल्यूशन का प्रदर्शन कर रहा है, जो एक इनोवेटिव एंड टू एंड मल्टी मोडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन है, जो उन्हें अधिक स्मार्ट और अधिक कुशल बनाता है। Aligned to Honorable Prime Minister's vision for India, these sustainable and interconnected use cases have been developed with cutting-edge technologies like AI, IoT, analytics, cloud technologies to generate a positive impact on large scale, touching the lives of millions nationwide and enabling a more inclusive growth. Sanchar Shakti वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के इस अभिनव में टेलको को टेको में बदलने के अपने विजन के अनुरूप यहाँ पर ये नवीन तकनीकी समाधान वोडाफोन प्रदर्शित करता हुआ। और फिनेंशियल लिटरेसी के लिए भी यहाँ पर 4G 5G फॉर अंत्योदया कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण भारत पर केंद्रित कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा के परिणाम बढ़ाने, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वित्तीय साक्षरता, फिनेंशियल लिटरेसी फॉर एवरीवन, इसे बढ़ाने की तरफ ये तकनीक का यहाँ पर शोकेस किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में जानकारी देते हुए वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के उच्च अधिकारी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया, अंडर हूज डायनामिज्म इन द लास्ट 9 इयर्स इंडियाज डिजिटल फुटप्रिंट हैज बीन मैसिव एंड इम्प्रेसिव। यहाँ पर आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं जादू गिनी का, ये 4G 5G अंत्योदया कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण भारत पर केंद्रित ये सभी टेक्नोलॉजीज़, और किस तरह से शिक्षा के परिणाम हम बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बच्चों को, और दूर दराज के इलाकों में वित्तीय साक्षरता, फिनेंशियल लिटरेसी प्रदान कर सकते हैं, ये सब प्रदर्शित है इस वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के अरीना में। श्री कुमार मंगलम बिरला जी को आप देख रहे हैं स्क्रीन में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से बहुत ही उत्सुक रहे हैं इन नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ,
और जानकारी लेते हुए इनके बारे में। और अब वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के अरीना से बाहर निकलते हुए अब आगे की तरफ प्रधानमंत्री जी बढ़ते हुए। प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन ने उन नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो डिजिटल क्षेत्र में असीमित संभावनाओं के युग की शुरुआत करते हुए लाखों लोगों को सशक्त और प्रेरित करती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, he's been a leader under whose leadership India today is a digital powerhouse. प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि साइंस इज यूनिवर्सल बट टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। हम जीवन सुगमता के लिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक इस्तेमाल कैसे करें, और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी TCS के अब अरीना में। माननीय प्रधानमंत्री जी के $5 trillion इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की ओर हमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के लिए ये नई टेक्नोलॉजीज इनोवेशंस की आवश्यकता है। इस मार्ग में TCS 5G तकनीकी क्षमताओं पर आधारित 5G सॉल्यूशंस को प्रस्तुत कर रहा है। इन सभी टेक्नोलॉजीज जो यहाँ पर डिस्प्लेड हैं उनकी प्रधानमंत्री जी को जानकारी देते हुए TCS के ऑफिशियल्स, ड्रोन द्वारा रियल टाइम स्मार्ट फार्मिंग और जन सुरक्षा, यातायात सुरक्षा के लिए व्हीकल टू एनीथिंग कनेक्टिविटी V2X, लॉजिस्टिक सेक्टर में प्रोडक्टिविटी में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंट पोर्ट्स, ये सब TCS और तेजस नेटवर्क द्वारा निर्मित सेमीकंडक्टर से लेकर सॉफ्टवेयर तक के प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस पर आधारित है यहाँ पर TCS के पवेलियन में। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम ऑप्टिकल फाइबर्स में भी अभूतपूर्व निवेश कर रहे हैं। इसमें और गति लाने के लिए PM गति शक्ति के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। TCS के स्टॉल से आगे की ओर अब प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ते हुए, और अभी ये हॉल नंबर 4 में ही प्रधानमंत्री जी हैं, हॉल नंबर 5 से 4 में। और अगला जो स्टॉल है अरीना की तरफ बढ़ते हुए। Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister, sir, even for children, he has said that we need to think about technology-related toys which are suitable for the children of our country and then market them in the world. Gaon ka dur daraz ka vidyarthi bhi Hindustan ki top-most education system ka labh in technologies ke madhyam se le sake apne ghar mein baithe hue, ye hume sochna hai. मेडिकल सेवाएं कैसे ले सकता है, एग्रीकल्चर में इनोवेशन का लाभ छोटा किसान कैसे ले सकता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सीमलेस कनेक्टिविटी हम ला सकते हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी CDOT के अरीना में, और यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय CEO CDOT उनका स्वागत करते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में CDOT के इंजीनियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 4G सॉल्यूशंस डिज़ाइन और विकसित किए हैं। CDOT 5G NSA कोर भी विकसित कर चुका है जो BSNL के पंजाब नेटवर्क में सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। 5G SA कोर और ओरान फ्रेमवर्क पर आधारित 5G रेडियो रैन भी CDOT विकसित कर रहा है, और आने वाले एक वर्ष में CDOT पूर्ण विकसित 5G SA प्रणाली को वाणिज्यिक नेटवर्क में तैनात करेगा।
इन सभी टेक्नोलॉजीज का जो यहाँ पर डिस्प्लेड हैं सी डॉट के द्वारा, उनकी प्रधानमंत्री जी को जानकारी देते हुए सीओसी डॉट। और सी डॉट के सरीना में आप क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है और पोस्ट क्वांटम इनक्रिप्टर हैं जो विकसित किए गए हैं सी डॉट द्वारा, वो भी यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, शोकेस्ड हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के आगमन के साथ इनक्रिप्शन ट्रेडिशनल तरीके से उपयोगी नहीं रहेंगे और इसके लिए इनक्रिप्टर्स, इसलिए हमारे नेटवर्क को क्वांटम कंप्यूटिंग से उत्पन्न होने वाले खतरों से सुरक्षित रखने के लिए भी सी डॉट ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली और पोस्ट क्वांटम इनक्रिप्टर विकसित किए हैं। क्वांटम सुरक्षित ऐसा एक लिंक संचार भवन और NIA कार्यालयों के बीच काफ़ी समय से उम्मीद के मुताबिक काम कर रहा है। और अब प्रधानमंत्री जी सी डॉट यहाँ पर, और जानकारी लेते हुए जो यहाँ पर अनेक टेक्निक्स यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, सेल ब्रॉडकास्ट की टेक्निक भी यहाँ पर डिस्प्लेड है। और यहाँ पर अब नोकिया के, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नोकिया के अरीना में 6G सेंसिंग डिमॉन्स्ट्रेशन है। प्रधानमंत्री जी नोकिया कंपनी के बूथ पर 6G टेक्नोलॉजी से रूबरू हो रहे हैं और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेटवर्क जो यहाँ पर डिस्प्लेड हैं टेक्नोलॉजीज, नेटवर्क बिना किसी ऑनबोर्ड सेंसर के वस्तुओं, लोगों और उनके मूवमेंट यानी गति को ये सेंस कर पाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए डिजिटल और फिज़िकल दुनिया को एक साथ लाया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से देवी सज्जनों, सेलुलर नेटवर्क किसी वस्तु से टकराकर वापस आए हुए सिग्नल्स के माध्यम से उस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा, जैसे कि उसकी लोकेशन, उसकी स्पीड और यह भी कि वह किस मटेरियल, किस तत्व का बना है। और इसे हम नेटवर्क विद अ सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। नेटवर्क केवल वस्तु से टकराए गए सिग्नल्स का उपयोग कर वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। ये प्रधानमंत्री जी को इस तकनीक के बारे में बताते हुए नोकिया के अरीना में, नोकिया यही तकनीक इस इंटरैक्टिव 6G लाइव डेमो के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। और 6G बेस स्टेशन यहाँ पर है और किस तरह से सेंसर्स इसको कैप्चर करेंगे। 6G बेस स्टेशन, पियानो नोट्स यहाँ सामने मौजूद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस LED बनाम पियानो के सामने से गुजरता है, नेटवर्क व्यक्ति से टकराए सिग्नल्स को रिसीव करता है, जिससे वह व्यक्ति की लोकेशन, उसकी गति और चलने की दिशा को पता लगाता है। और स्क्रीन पर मैप किए गए पियानो नोट्स व्यक्ति की गति, संबंधित स्थान और चलने की दिशा के अनुसार बज उठते हैं। देवी सज्जनों, 6G हमारे जीवन पर कई तरीकों से बड़ा प्रभाव डालेगा।
उदाहरण के लिए 6G सड़क यातायात मार्ग पर मौजूद वाहनों और पैदल यात्रियों का स्थान, गति और दिशा का भी पता लगा सकेगा। खतरा होने पर चेतावनी भी जारी करेगा। काम या घर पर नेटवर्क ये जान सकता है कि क्या कोई व्यक्ति कोई गिर गया है, और बाकी जानकारी इस नेटवर्क के माध्यम से है। और प्रधानमंत्री जी, आप नोकिया के स्टॉल से बाहर की तरफ, ये हॉल नंबर 4 में है, और प्रधानमंत्री जी अब हॉल नंबर 3 से गुजरते हुए आसपास के जो स्टॉल्स हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री जी इनको देखते हुए। और देवी सजनो, एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन का लाभ किस तरह से हमारे किसानों को हो सके, इसकी तरफ भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से कहते आए हैं हमारा फोकस होना चाहिए। काफ़ी सारी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर डिस्प्लेड हैं, जिससे हम दूर दराज इलाकों में, गाँव में एजुकेशन, प्रसिशन फार्मिंग, ये सब प्रदान कर हम अपने किसानों को, अपने छात्रों को सशक्त बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सीमलेस कनेक्टिविटी हम ला सकते हैं, इन सब पर हमें सोचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते आए हैं। Ladies and gentlemen, as you know, Honorable Prime Minister Sir has always said that be India not just a provider of talent, but a producer of technology, devices and products. And this, in fact, has propelled India into the top tier of advanced technology manufacturing. And now, Pradhan Mantri Ji, hall number 2 say, एग्जिट करेंगे एग्जिबिशन एरिया, और उसके बाद अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ भारत मंडपम में इस हॉल में होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है कि डिजिटल नवाचार में इसरो की जो उपलब्धियां, और यहाँ पर एक इसरो का भी एंड में स्टॉल है, जब आप एग्जिबिशन देखेंगे इसरो की उपलब्धियां भी वास्तव में विस्मयकारी रही हैं। चाहे वो मार्स ऑर्बिटर का मिशन हो, जिसे हम मंगलयान कहते हैं, और इसके बाद अभी हाल ही में चंद्रयान 3, ये सभी। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये पहले के विजुअल्स हैं। बस अब थोड़ी देर में हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार में होंगे, और हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार। ये पहले के विजुअल्स आप थोड़े से देख रहे हैं स्क्रीन पर। सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने स्थान पर बने रहें, बीच में आयल में कोई भी ना खड़ा हो। आयल की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी आगमन और उनका स्वागत करने के लिए हम सभी उत्सुक। और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे साथ मंच पर होंगे हमारे माननीय मंत्रीगण, श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री देव सिंह चौहान जी, हमारे माननीय सचिव श्री नीरज मित्तल जी, और हमारे इंडस्ट्री लीडर्स, और मंच पर देवी सजनो हमारे कैप्टन्स एंड लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री, उनका मंच पर स्वागत करते हैं। श्री सुनील भारती मित्तल जी का, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस, श्री कुमार मंगलम बिरला जी का, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप, और श्री आकाश एम अंबानी जी,
Chairman Reliance Jio. And it is here, ladies and gentlemen, in the India Mobile Congress 2023, wherein we are going to be seeing and witnessing the future unfolding with these new futuristic technologies. And we have the leaders of the industry here on the stage with us. Shri Sunil Bharti Mittalji, Shri Akash M. Ambani, and Shri Kumar Mangalam Billaji. And just now, on your screens, you had seen Honorable Prime Minister inaugurating the exhibition. And वहाँ पर जो प्रदर्शित technologies हैं, innovations हैं, 5G solutions, use cases, उनका जो प्रदर्शित किए गए हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी हमारे माननीय इंडस्ट्री लीडर्स ने. और अब थोड़ी देर में हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी इस सभागार में भारत मंडपम के इस विराट हॉल में. And 2017 was the first time when the India Mobile Congress was organized. And over the years, we have seen it growing massive and very impressive footprints it has been able to cast with new showcase of this, the greatest and the latest in the world of technology and innovations being unfolded here at IMC. This is the 7th edition. अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और अब से थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करेंगे. उनकी जो सोच है, जो मंशा है, जो विजन है, मिशन है भारत को आगे ले जाने का और इन टेक्नोलॉजीज और नई तकनीक और इनोवेशंस क्या योगदान दे सकती हैं, क्या अहम भूमिका निभा सकती हैं एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत के निर्माण की तरफ. उनकी ये दूरदृष्टि, उनके विजन मिशन को हम आमंत्रित करेंगे उनके उद्बोधन के माध्यम से. आप सभी से भी निवेदन है कि आप यह प्रदर्शनी जरूर देखें. और देवी सज्जनों, अभी मंच पर हमारे साथ हमारे माननीय मंत्रीगण श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री हमारे माननीय संचार, रेल, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री, साथ में श्री देव सिंह चौहान जी, माननीय संचार केंद्रीय राज्य मंत्री, और श्री नीरज मित्तल जी, माननीय सचिव दूरसंचार विभाग, मंच पर उनका स्वागत. और साथ में हमारे पहले से ही हमारे इंडस्ट्री लीडर्स मंच पर.
और अब बस थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री जी का इस राजसी भारत मंडपम के इस हॉल में हम स्वागत करेंगे। यहाँ पर कुछ 7,000 से ज़्यादा हमारे डेलीगेट्स और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। भारत मंडपम देवी सज्जनों, भारत की परंपरा और उत्कृष्टता की खोज की प्रेरणा का प्रतीक है। यह हमारे कारीगरों और शिल्पकारों की कड़ी मेहनत को प्रदर्शित करता है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी कला यहाँ की दीवारों पर चित्रित है। साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के विश्वास का, संकल्प का प्रतीक है भारत मंडपम। और यहाँ पर IMC 2023 का शुभारंभ हो रहा है, अभी अभी प्रदर्शनी का उद्घाटन। और अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक। In these 4 days, ladies and gentlemen, we are going to be witnessing almost 100,000 footprints, footfalls here during these 4 days, visiting the exhibition and also deliberating, discussing and ideating in these 4 days of conference on various topics. Just requesting no movement in the hall, please. पीछे की तरफ लोग अपने स्थान पर ही बने रहें। सभी से पुनः निवेदन, प्लीज़ आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। रिक्वेस्टिंग एवरीवन। और देवी सज्जनों, आप सभी की करतल ध्वनि के बीच अति सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर छात्र छात्राओं का अभिवादन करते हुए, वसुदेव कुटुंबकम के दृष्टिकोण को, भावना को आत्मसार करते हुए एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, वैश्विक भलाई की विचारधारा से और सभी के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। देवी सज्जनों, लीडर अंडर हुज लीडरशिप इंडिया हैज डेयर टू ड्रीम एंड ड्रीम बिग, ड्रीम आउट ऑफ बॉक्स, ड्रीम द फ्यूचर एंड एस्पायर टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन से लेकर सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी तक, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन टेक्नोलॉजी से लेकर 5G तक और अब 6G, ये सभी सेक्टर्स आज देश की प्राथमिकता है। COVID-19 के दौरान भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल दृष्टिकोण को अपनाया। And now, ladies and gentlemen, as you can see,
माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ यहाँ पर आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 देवी सजनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने 130 करोड़ के परिवारजन की उनकी सेवा समर्पण का प्रतीक है, प्रमाण है। अद्वितीय समर्पण और संकल्प के धनी भारत के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आप सभी की तालियों के साथ पुनः यहाँ पर स्वागत मंच पर। And thank you very much, Honorable Prime Minister Sir, for leading IMC 2023. आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठ जाएं। And ladies and gentlemen, we stand here today not just as witnesses, but in fact as active participants in this extraordinary era of technology and innovation. We have gathered here under a theme that resonates across borders, a theme that embodies the very potential of technologies and innovations to shape a future that benefits all of humanity. To is असीमित संभावनाओं की दुनिया में आईएमसी 2023 में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ मेज़बान मंत्रालय के हमारे माननीय मंत्री जी को, आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री श्री देव सिंह चौहान जी, इंडस्ट्री कैप्टन्स, विश्व भर के करीब 50 देशों से आए गणमान्य अतिथि, स्कूल और कॉलेजेस में उपस्थित विद्यार्थी मित्र, मीडिया के सभी साथी, आईएमसी 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का विजन है कि टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज हो, पीपल सेंट्रिक हो, टेक्नोलॉजी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास का माध्यम बने। इसी विजन से प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। आज से 10 साल पहले अगर टेलीकॉम का नाम आता था तो एक अजीब सी भावना थी, 2G स्कैम की बात होती थी, लीगल बैटल्स चल रहे थे, इन्वेस्टमेंट कोई करना नहीं चाहता था। आज लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। ये प्रधानमंत्री जी की 9 वर्षों की तपस्या का फल है। प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर पर क्लियर फोकस रखा क्योंकि टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है। पिछले 10 वर्षों में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री स्कैम और लिटिगेशन से बाहर आकर आज एक सनराइज इंडस्ट्री बन गई है। आज भारत को दुनिया में 5G के फास्टेस्ट रोल आउट के लिए पहचाना जा रहा है। आज भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट 70 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज दुनिया के बड़े देशों में सबसे सस्ती डेटा सर्विसेज भारत में उपलब्ध है। आज देश में लगभग 114 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। 10 वर्ष पहले भारत में इस्तेमाल हो रहे 98% मोबाइल फोन इंपोर्ट होते थे, आज 98% भारत में मेक इन इंडिया भारत में बने। पिछले साल 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए। 10 वर्ष पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स में भारत की कोई पहचान, कोई आवाज़ नहीं होती थी। आज ITU का एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में स्थापित किया है। आज 5G का जमाना है, आगे का जमाना 6G का होगा। प्रधानमंत्री जी ने आगे की सोचकर 6G का विजन डॉक्यूमेंट कुछ ही महीनों पहले लॉन्च किया था और बहुत ही खुशी की बात है ITU ने प्रधानमंत्री जी के 6G विजन को एक्सेप्ट किया है और स्टैंडर्ड्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए अडॉप्ट किया है। 10 साल पहले टावर लगाने की परमिशन, टावर ज़रूरी होता है टेलीकॉम के लिए, टावर लगाने की परमिशन में करीब 230 दिन एवरेज लगते थे, आज मात्र 7 दिन लगते हैं और इसमें से भी करीब 85% परमिशंस इंस्टेंटेनियस हो जाते हैं, एंटर का बटन दबाओ। ये प्रधानमंत्री जी ने ट्रांसफॉर्मेशन किया है टेलीकॉम सेक्टर में। आज भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के डेवलपर, एक्सपोर्टर और लीडर की तरह उभर रहा है। आप याद कीजिए, पिछला जब वर्ल्ड कप था 2011 में,
जब वर्ल्ड कप के मैच चलते थे तो टीवी के शोरूम्स के बाहर लोगों की भीड़ रहती थी, ऐसा नहीं होता अब। पिछले रविवार भारत और न्यूजीलैंड का जब मैच था, मोबाइल पर 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रियल टाइम में लाइव मैच देखा। और याद करो चंद्रयान 3 की लैंडिंग, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर 80 लाख लोगों ने लाइव देखा चंद्रयान 3 को। ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है प्रधानमंत्री जी की तपस्या के कारण। आज हमारे बीच कई ऐसे स्टार्टअप और फाउंडर्स के सीईओस बैठे हैं जो कि पहले यूरोप और अमेरिका में नौकरी करते थे, आज नौकरी देने वाले बने और स्टार्टअप्स के प्राउड फाउंडर्स बने। ये गौरव की बात है। इसी भारत मंडपम में अगले वर्ष ITU की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली भारत में होगी, और टेलीकॉम का भविष्य किस दिशा में जाए वो इसी भारत मंडपम में डिसाइड होगा। आज प्रधानमंत्री जी के इंस्पिरेशन से 6G का टेराहर्ट्ज टेस्ट बेड और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड बनेगा, जिससे कि भारत 6G में लीड ले सके। प्रधानमंत्री जी ने भारत 6G विजन लॉन्च करने के टाइम में कहा था, हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि 2G, 4G, 5G और अब 6G में भारत को लीड लेनी है, उसी दिशा में ये स्टेप्स हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत को हमेशा टेक्नोलॉजी को हमेशा डेमोक्रेटाइज करने का विजन दिया, मार्गदर्शन दिया। आज उसी के अनुरूप 100 5G लैब्स माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। 100 यूनिवर्सिटी में छात्र, MSME, प्रोफेसर्स कई तरह के 5G को उपयोग करके हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, कई सेक्टर्स में इनोवेशन कर सकेंगे, नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उससे नए स्टार्टअप्स निकलेंगे। हर एक लैब में कम से कम 10 प्रोफेसर्स, 50 स्टूडेंट्स और 10 MSME को मिनिमम जोड़ा जाएगा। कई जगह जहां बड़ी लैब्स बनेंगी वहां पे इससे भी ज़्यादा जुड़ेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन लैब्स का उद्घाटन करेंगे कुछ ही समय में, और करीब करीब हर एक लैब में हजारों की संख्या में छात्र आज जुड़े हुए हैं। आज पूरा विश्व भारत को आशा से देख रहा है और भारत में डेवलप हो रही टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शक्ति से आगामी वर्षों में इसी तेजी से भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी लीडर बनके उभरेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संबोधन के लिए। और देवी सज्जनों, अब हम उद्योग जगत के कुछ प्रभावशाली और अति परिवर्तनशील लीडर्स के दृष्टिकोण को आमंत्रित करते हैं, और इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश एम अंबानी जी को, चेयरमैन रिलायंस जियो। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मिस्टर वैष्णव जी, मोस्ट रिस्पेक्टेड मिनिस्टर चौहान जी एंड सेक्रेटरी श्री मित्तल जी, माय रेनाउंड सीनियर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आवर विजनरी प्राइम मिनिस्टर, एवरी जेनरेशन नीड्स अ विजन दैट इंस्पायर्स इट टू डू ग्रेट थिंग्स। यू हैव गिवन माय जेनरेशन an aspirational vision of transforming our country into Viksit Bharat. If anyone wants to get a glimpse of how a developed India is being built, all they should do is come to the India Mobile Congress. Sir, you have kept yourself young at heart, thought, and actions. Just like the youth, you embrace innovation, welcome change, and challenge the status quo. You are always working on using the latest technology that can improve the lives of our people. The best example of it is India's digital public infrastructure, which has been internationally praised. Millions of youngsters like me are inspired by your work in making Digital India a means to build a more innovative, inclusive, and sustainable world. Last year, you challenged us to make India a global leader in 5G technology.
Your challenge energized us, and what we have achieved has stunned the world. We at Jio unleashed the fastest rollout of 5G technology witnessed anywhere in the world, deploying a 5G cell every 10 seconds. Jio has installed over 10 lakh 5G cells across all 22 circles of India. I am humbled to share that Jio alone has contributed to 85% of the overall 5G capacity in the country and provided one of the fastest 5G internet speeds in the world. Furthermore, Jio's 5G rollout is powered by 100% in-house 5G stack, designed, developed, and manufactured entirely by Indian talent. You command us to make us Bharat Atmanirbhar in high tech. Jio has delivered on your command. We have fortified our 5G infrastructure with services like Jio Fiber and Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offerings. Now Jio can provide 5G access to over 200 million unconnected homes and premises, making India the broadband capital of the world. India today ranks amongst the top three 5G-enabled nations with over 125 million 5G users. The transformative power of 5G will provide new employment and entrepreneurial opportunities to millions of Indians. To put it in our Prime Minister's words, it will help both job seekers and job creators. We recently launched Jio Bharat, a revolutionary smartphone, 4G smartphone, costing just 999 rupees, lower than most 2G phones. With such bold initiatives, Jio is set to end the digital exclusion in India once and for all. Dear friends, our Honorable Prime Minister has unified the country in many ways. Through the GST, he created one nation, one tax, one market. He has led the digital connectivity revolution that has connected 1.4 billion Indians through his motto of Sabka Saath, Sabka Vikas. He made development reach everyone, irrespective of region, religion, or caste. He has built the tallest statue in the world, the Statue of Unity, which is dedicated to the great Sardar Patel, who united India. Sri Narendra Modi ji, your efforts to bring India and Indians together motivate all of us at India Mobile Congress. We promise you, through the power of technology, we will build a digital statue of unity. This too will be the tallest in aspiration and achievement. Through the power of technology and connectivity, we will unite and inspire 1.4 billion Indians with the single dream of making our beloved motherland, Bharat, the most prosperous, the most technologically advanced, the most inclusive, and the most harmonious nation in the world. On behalf of all the young digital entrepreneurs, young digital innovators, young digital startups at the IMC, I assure you that we shall work tirelessly to realize India's dream during India's Amrit Kaal. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद भारत निर्माण की तरफ रिलायंस जियो की विजन और मिशन को हमारे साथ साझा करने का और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री सुनील भारती मित्तल जी को चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस उनके उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स सेक्रेटरी टेलीकॉम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट माय फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड मीडिया Ladies and gentlemen, I am delighted to be back here at the edition of IMC 2023, yet another spectacular and successful event showcasing Digital India, the technology that supports it, importantly the young startups that have taken deep roots in our country. Prime Minister, sir, very earlier on in your prime ministership, you gave some bold visions to this country. Two pillars are very important for IMC 2023, and I'll briefly touch upon those two. First was Digital India. We were truly inspired when you made the clarion call for all of us to lift our game and support the Digital India's vision. You realize that as India builds the hard infrastructure, which, by the way, is also being built at a very feverish pace, you recognize that if you can give tools in the hands of citizens to lift their lives, India could progress in leaps and bounds. Aapne Jam Trinity ka nara lagaya. Wo nara jo Jandhan, Aadhaar aur mobile ke base pe tha,
उसने आज ऐसी रूट पकड़ी है कि दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। आकाश ने अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, जहाँ से भी मैं दुनिया में लोगों को मिलता हूँ सब में एक ही बात है कि इंडिया ने अपने आप को डिजिटली कन्वर्ट कैसे किया। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको इंडिया से लिफ्ट करके हम अपनी कंट्रीज में कैसे शिफ्ट करें, कंट्री आफ्टर कंट्री, वेदर इट इज़ वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस, WTO, अफ्रीका यूनियन, यूरोपियन यूनियन, G20, OECD कंट्रीज, ब्रिक्स, एक ही नारा लग रहा है हर जगह, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इंडिया हैज़ बिल्ट कैन एक्सेलरेट द वर्ल्ड इकॉनमी, स्पेशली इन दोज कंट्रीज विच हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टू दैट एक्सटेंड प्राइम मिनिस्टर सर, we have to salute your vision of what you started has really yielded results. The second most important one is Make in India, again something that you inspired the entire nation. I spoke about this last year ki meri zindagi mein shayad manufacturing is desh mein nahi ho payegi jo scale aur size mein hum chahte the. Pichle saal maine ye concede kiya ki ye desh already manufacturing ke मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और पिछले एक साल में प्रधानमंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मंत्री जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेकर डिक्सन, सैमसंग से लेकर टाटाज, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है, और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह स्पेशली फॉर अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े पैमाने पर एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। एयरटेल की तरफ से हमने आपसे वायदा किया था कि हम पूरे जोर से पूरी शक्ति से 5G रोल आउट करेंगे, और मैं आज आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि 5000 टाउन्स और करीब 20000 विलेजेस में एयरटेल का 5G लग गया है, और बहुत तेज़ी से हम अपना काम बढ़ा रहे हैं। और जैसे हमने प्रॉमिस किया था बाय मार्च 2024 we would have covered the entire country with 5G network, and this will be truly the fastest 5G rollout anywhere in the world. You made a call day before yesterday that all villages that are remaining in the country must be covered by March 24. Prime Minister sir, we will make every effort to do it. We are putting in a lot of efforts along with the DOT through the USL fund to go to northeast, to go to border areas, to go to those difficult villages. But a new technology is now available for our country. Satellite communications is here to serve every inch of our country and of course the globe. With your intervention we were able to get two rockets GSLV Mark 3 from ISRO to launch 72 satellites last year, and today OneWeb constellation in which Bharti has the largest stake is ready to serve the globe, is ready to serve the country. Anybody anywhere in the country, however remote or far or in difficult areas they are located, can be connected from next month onwards from a satellite ground station that has been set up in Mehsana, Gujarat. In closing, I would like to assure the Honorable Prime Minister and all of those who are assembled here, Airtel has been at the forefront of telecom revolution. We will keep on dutifully doing our job. We will keep on shoulder to shoulder with our other operator colleagues, build India's digital highway to support India's digital vision as well as Make in India. Thank you very much. तो जमीन से आसमान तक एयरटेल के बढ़ते हुए डिजिटल कदम एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण की तरफ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री कुमार मंगलम बिरला जी को, चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप, उनके उद्बोधन के लिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवेज, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस देवी सिंह चौहान जी, सेक्रेटरी DOT श्री नीरज मित्तल, माई कॉलीग्स ऑन द डेस, ladies and gentlemen, at the outset I want to thank the honorable prime minister for his visionary leadership in driving India's digital transformation. His commitment to digital inclusion is rooted in the principle of Antyodaya,
which aims to ensure that every citizen benefits from these initiatives. Given this approach, it is no wonder that India's digital evolution is gaining global recognition as a benchmark for promoting both digital transformation and inclusive growth. India has now clearly emerged as a champion for the Global South. Inspired by our Honorable Prime Minister's vision, many countries in the Global South are now eager to adopt India's path-breaking digital public infrastructure assets across identity, payments, and data management. Vodafone Idea is committed to being a responsible partner in achieving the vision of our Honorable Prime Minister. Over the past year, the Vodafone Idea team has worked diligently to prepare the core network for 5G deployment. The company management has focused on creating customer value to over 220 million citizens and thousands of enterprises by providing superior data and voice experience, as well as building a differentiated digital experience. Vodafone Idea has successfully developed a range of advanced use cases poised to make a tangible difference across crucial sectors such as agriculture, infrastructure, automotive, logistics, and many others. This encompasses the entire value chain of major enterprises and also of MSMEs, which we believe are engines for growth and employment that contribute significantly to India's progress. In the coming quarters, Vodafone Idea will initiate significant investments in order to roll out 5G networks and further expand 4G coverage across the country. Moreover, the company is determined to realize the government's vision of establishing a robust supply chain in critical and emerging areas, including Open RAN. This endeavor will enable innovative Indian companies to design both hardware and software for the global markets. India's digital ecosystem stands on the brink of unprecedented growth in the coming years, with over 800 million broadband users, a number that is rapidly increasing by the day. The digital economy is being driven by the telecom sector. Today, India is actively engaging in the development of standards for future technologies in areas like 6G, guided by the vision of our Honorable Prime Minister. I once again commend the Honorable Prime Minister and the government for their leadership and tremendous support. I wish all the delegates a very successful India Mobile Congress. Thank you. वोडाफोन के एक्सपैंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में हमें जानकारी देने का बहुत बहुत धन्यवाद सर. और देवी सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से समृद्धि, उन्नति और सतत विकास, इस दृष्टिकोण को साकार करती है. एंड देन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ नेशंस डिजिटल जर्नी, but in fact it is about a global dialogue on the immense possibilities that emerge when visionary leadership converges with technology and innovation. So we take you in this very exciting and exhilarating and promising world of India Mobile Congress 2023 through a short film. India, a name synonymous with innovation. Driving digital growth across the world with over 1 billion mobile phones and 800 million active internet users, India is now at the helm of the global digital reform. It is no surprise that the country now accounts for over 46% of global digital transactions. This achievement is a result of the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who has consistently taken comprehensive steps to harness the nation's vast potential in this sector. In October 2022, during the India Mobile Congress, he ushered in a new era of connectivity by launching 5G services for the nation. 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा.
लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। India has moved so far this decade with its digital public infrastructure, with the adoption of technology. In some ways, there is no other country that has seen something quite like this. It's truly extraordinary. Incredible to see the digital transformations recently. And I mean, now you can use GPay to pay anywhere. It's incredible. In India, one of the things that's very exceptional that's happening is digital public goods that's getting built is for language translation. The follow through on the scaling up of India's digital stack, is a model other countries are thinking about. A robust connectivity infrastructure with more than 3.74 lakh 5G towers in over 735 Indian districts has made 5G accessible to over 100 million Indians in a year. Beating nations like the US and China with the fastest 5G rollout in the world, India is well on its way to having the world's largest 5G connectivity. The impact of this digital growth has simply been unprecedented. Digital public infrastructure built on connectivity has enabled public services never thought of before, which is now being adopted globally. Digital India has directly empowered and benefited the underprivileged, youth, women, and farmers in real time. After empowering unprecedented digital innovation at home, India is now among the only 5 countries to deploy its own indigenous 5G stack and lead the way for the world. India also stands tall as one of the leaders in developing 6G technology with its Bharat 6G Alliance initiative. India has made continuous stride promoting new age skills and making investments in technological research to enable state-of-the-art labs and infrastructure in the country over the past few years. Result, all of these factors are contributing to India's rise as the third largest economy in the world. India Mobile Congress 2023 will now set the stage for the globalization of these indigenous innovations. With its theme as Global Digital Innovation, the largest tech event in Asia is proudly hosting thought leaders, entrepreneurs, innovators, investors, academia, regulators, and policymakers from more than 31 countries to bring the next digital revolution worldwide. In line with the Honorable Prime Minister's vision of empowering startups in the country, IMC 2023 is also launching Aspire, an initiative to ignite the future of entrepreneurship. From India to the world, digital innovation will find a new home at the India Mobile Congress 2023. So that is where, ladies and gentlemen, where innovation knows no bounds and the future of digital transformation unfolds. और देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 5G के साथ भारत ने एक नया इतिहास रचा है और अब उसे आगे ले जाते हुए देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग करके शोध और एप्लीकेशन विकसित करने हेतु 100 5G लैब्स स्थापित किए जाएंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में भी की गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण जय विज्ञान जय अनुसंधान को साकार करते हुए ये लैब्स स्मार्ट क्लासरूम्स, प्रिसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्वास्थ्य देखभाल जैसे अनुप्रयोगों को विकसित करेंगे। तो अब समय है इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का और मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर यह 100 लैब्स सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को प्रदान करें। और स्क्रीन पर देवी सज्जनों आप देख सकते हैं ये लैब्स इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ जुड़ते हुए जिन्हें ये लैब्स प्रदान किए जा रहे हैं। In October 2022, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 5G services in India.
and impressed upon the potential of 5G that can transform the lives of the common man by enabling innovations in diverse socio-economic spheres. To realize this, in March 2023, Prime Minister Narendra Modi emphasized the establishment of 100 5G labs. आने वाले समय में भारत 100 नई 5G लैब्स की स्थापना करने जा रहा है। इससे 5G से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस मॉडल्स और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को जमीन पर उतारने में बहुत मदद मिलेगी। PM's announcement is now a reality, wherein 100 institutions have been selected for the award of 5G labs, which consists of compact 5G network and use case devices such as drone, AR/VR headset, startup testing kit to develop use case applications related to education, health, agriculture and other sectors. 100 new 5G labs will act as testing cum breeding grounds for upskilling local innovators such as students and startups and aid in developing new range of use case applications according to India's common man needs, further enabling India's ascent towards becoming the third largest economy in the world. Now, in the presence of Honorable Prime Minister, 5G labs are being awarded to 100 institutions in Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal. With these labs, India will be a front runner in designing, developing and deploying 5G and 6G technologies. Jai Hind. सभी इंस्टीट्यूशंस को बहुत बहुत बधाई एंड लेडीज एंड जेंटलमैन इन अ वर्ल्ड विच इज कंटिन्यूसली लुकिंग फॉर मोर सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेपिंग अप टू प्रोवाइड आंसर्स एंड सॉल्यूशंस टू दीज ग्लोबल चैलेंजेस एंड अगेन इट इज नॉट जस्ट अबाउट मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया बट इट इज अबाउट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस विच द होल वर्ल्ड कैन एम्ब्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैश्विक समाधान प्रदान करता है एक ऐसे भविष्य को आकार देता है जहां पर प्रौद्योगिकी वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत के रूप में कार्य करती है जहां वे समाजों का उत्थान करती है विभाजन को पाटती है और वैश्विक स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देती है And today, ladies and gentlemen, we have the distinct honor and privilege of listening to a global visionary leader for whom the whole world is one big family. We invite his views and guidance on the theme of global digital innovation, which is the cornerstone of our collective journey in this shared sustainable future. So please join me, ladies and gentlemen, as I extend a very warm and enthusiastic invite to the Honorable Prime Minister for his inaugural address. मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मेरे साथी मोबाइल और टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े सभी महानुभाव सम्मानित अतिथिगण देवी और सज्जनों इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 7वें एडिशन में आप सबके बीच आना अपने आप में
एक सुखद अनुभव है। 21वीं सदी की तेजी से बदलती हुई दुनिया में ये आयोजन करोड़ों लोगों का भाग्य बदलने की क्षमता रखता है। एक समय था जब हम फ्यूचर की बात करते थे तो उसका अर्थ अगला दशक या 20-30 साल बाद का समय या फिर अगली शताब्दी होता था। लेकिन आज हर दिन टेक्नोलॉजी में तेजी से होते परिवर्तन के कारण हम कहते हैं द फ्यूचर इज हियर एंड नाउ। अभी कुछ मिनट पहले मैंने यहाँ एग्जीबिशन में लगे कुछ स्टॉल्स देखे। इस एग्जीबिशन में मैंने उसी फ्यूचर की झलक देखी, चाहे टेलीकॉम हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कनेक्टिविटी, चाहे 6G हो, AI हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ड्रोन या स्पेस सेक्टर हो, डीप सी हो, ग्रीन टेक हो या फिर दूसरे सेक्टर्स, आने वाला समय बिल्कुल ही अलग होने जा रहा है और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी देश के भविष्य का नेतृत्व कर रही है। हमारी टेक रिवॉल्यूशन को लीड कर रही है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले वर्ष हम यहां 5G रोल आउट के लिए इकट्ठा हुए थे। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पूरी दुनिया भारत को हैरत भरी नजरों से देख रही थी। आखिर भारत में दुनिया का सबसे 5G फास्ट 5G रोल आउट हुआ था, लेकिन हम उस सफलता के बाद भी रुके नहीं। हमने 5G को भारत के हर नागरिक तक पहुंचाने का काम शुरू किया, यानी हम रोल आउट स्टेज से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। साथियों, 5G लॉन्च के एक साल के भीतर ही भारत में करीब 4 लाख 5G बेस स्टेशंस बन गए हैं। इनसे देश के 97% शहरों और 80% से ज्यादा पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है। भारत में पिछले एक वर्ष में मीडियन मोबाइल ब्रॉडबैंड उसकी स्पीड करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत एक समय था 118 से हम वहां पर अटके पड़े थे, आज 43rd पोजीशन पर पहुंच गए। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं बल्कि 6G के क्षेत्र में भी
लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और साथियों, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार सिर्फ रैंकिंग और नंबर से ही नहीं होते। इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड में सुधार ईज ऑफ लिविंग को भी बढ़ा देते हैं। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो स्टूडेंट को अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होने में और आसानी हो जाती है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन के लिए कनेक्ट करते वक्त मरीज को सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो टूरिस्ट को किसी लोकेशन तलाशने के लिए मैप्स का इस्तेमाल करने की परेशानी नहीं आती। जब इंटरनेट स्पीड बढ़ती है तो किसान और आसानी से खेती की नई तकनीक को सीख पाता है, समझ पाता है। कनेक्टिविटी की स्पीड और अवेलेबिलिटी सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही रूप से बड़ा परिवर्तन करते हैं। साथियों, हम हर क्षेत्र में पावर ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पर विश्वास करते हैं। भारत में विकास का लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, भारत में संसाधनों का सभी को लाभ मिले, सभी को सम्मानजनक जीवन मिले और सभी तक टेक्नोलॉजी का फायदा पहुंचे, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं और मेरे लिए यही सबसे बड़ा सामाजिक न्याय है। नागरिकों के लिए एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। चाहे वो मुद्रा योजना के तहत कोलेट्रल फ्री लोन्स की बात हो या स्वच्छ भारत के टॉयलेट्स की या जेम ट्रिनिटी से होने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, इन सभी में एक बात कॉमन है, ये देश के सामान्य नागरिक को वो अधिकार दिला रहे हैं जो उसे पहले मिलने मुश्किल थे। और निश्चित तौर पर इसमें टेलीकॉम टेक्नोलॉजी ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट प्रोजेक्ट ने अब तक करीब 2,00,000 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा है। हमारी अटल टिंकरिंग लैब्स के पीछे भी यही थॉट है। 10,000 लैब्स के जरिए हम करीब 75,00,000 बच्चों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी से जोड़ पाए हैं। मुझे विश्वास है
कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 100 5G यूज केस लैब्स शुरू होने के आज के अभियान से भी ऐसा ही एक व्याप बढ़ने वाला है, नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये। किसी भी क्षेत्र से हमारे युवा जितना अधिक जुड़ेंगे उस क्षेत्र के विकास की संभावना और उस व्यक्ति के विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये लैब्स भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने का विश्वास जगाती है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा अपनी एनर्जी, अपने एंथुजियाज्म और अपनी स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज से, मैं पक्का मानता हूं, आपको सरप्राइज कर सकते हैं। कई बार वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे काम करेंगे जिनके बारे में उस टेक्नोलॉजी को बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। इसलिए मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, हमारे देश के लोगों की सोच कैसी है, और ड्रोन का ये भी उपयोग हो सकता है। हनुमान जी को इस रामायण के जो मंचन हो रहा था ना, तो हनुमान जी को जड़ी बूटी लेने के लिए जाना था, तो उन्होंने ड्रोन पर हनुमान जी को भेजा। इसलिए ये अभियान हमारे नौजवानों में इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, बीते कुछ वर्षों में भारत की सबसे महत्वपूर्ण सक्सेस स्टोरीज में हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। क्यों, यहां स्टार्टअप वाले क्या कर रहे हैं? बहुत कम समय में हमने यूनिकॉर्न्स की सेंचुरी लगाई है और हम दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बने हैं। मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना, वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, लेकिन अब ये संख्या 1,00,000 के आसपास पहुंच गई है। ये भी बेहद अच्छा है कि स्टार्टअप को मेंटर और एनकरेज करने के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस ने एस्पायर प्रोग्राम की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि आपका एक कदम भारत के युवाओं की बहुत मदद करेगा। लेकिन साथियों, इस पड़ाव पर हमें यह भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब
आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी, ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था, बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही, हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। इस बदलाव से क्या हुआ वो भी साफ दिखता है। उस समय हम मोबाइल फोन्स के इंपोर्टर थे, आज हम मोबाइल फोन के एक्सपोर्टर हैं। तब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमारी प्रेजेंस ना के बराबर थी, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। तब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई क्लियर विजन नहीं था, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2,00,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि गूगल ने भी हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने पिक्सल फोन्स भारत में बनाएगा। सैमसंग के फोल्ड 5 और एप्पल के आईफोन 15 पहले ही भारत में बनना शुरू हो गया है। आज हम सबको इस पर गर्व है कि पूरी दुनिया मेड इन इंडिया फोन्स का इस्तेमाल कर रही है। साथियों, आज जरूरत है कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं, टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीज की पीएलआई स्कीम चलाई है। आज विश्व भर की सेमीकंडक्टर कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन
सिर्फ अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, विकासशील देश से विकसित देश होने के सफर को अगर कोई और तेज करता है तो वो है टेक्नोलॉजी। हम देश के विकास के लिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं जहां भारत किसी भी विकसित देश से पीछे नहीं है। ऐसे ही हर सेक्टर में बदलाव लाने के लिए हम उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं। हम सेक्टर्स के हिसाब से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, हेल्थ केयर के लिए नेशनल हेल्थ मिशन, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एग्री स्टैक, ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्वांटम मिशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सरकार बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रही है। हम इंडिजिनियस डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी लगातार प्रमोट कर रहे हैं। मुझे जानकर भी खुशी हुई कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और इंडिया मोबाइल कांग्रेस साथ मिलकर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर एसडीजीज विषय पर एक इवेंट कर रहे हैं। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। ये एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप सभी ये जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटी का उस क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। G20 समिट में भी इसी भारत मंडपम में साइबर सिक्योरिटी के ग्लोबल थ्रेट पर गंभीर चर्चा हुई। साइबर सिक्योरिटी के लिए पूरी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कनेक्टिविटी। जब हमारी वैल्यू चेन का सब कुछ हमारे नेशनल डोमेन में होगा तो हमें इसे सिक्योर रखने में भी आसानी होगी। इसलिए आज इस मोबाइल कांग्रेस में ये चर्चा भी आवश्यक है कि हम ट्रबल मेकर से दुनिया की डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कैसे सुरक्षित बनाएं। साथियों, लंबे वक्त तक भारत ने टेक्नोलॉजी की कई बसेस मिस कर दी है। इसके बाद वो समय भी आया जब हमने ऑलरेडी डेवलप टेक्नोलॉजी में अपना टैलेंट दिखाया। हमें हमारी आईटी सर्विस इंडस्ट्री के उसने भी उसको अभी बढ़ाने के लिए भरपूर जो प्रयास हुआ है। लेकिन अब 21वीं सदी का ये कालखंड भारत की थॉट लीडरशिप का समय है और मैं यहाँ बैठे हुए सबको और ये जो 100 लैब्स के उद्घाटन में बैठे हुए नौजवानों को कह रहा हूँ। और विश्वास कीजिए दोस्तों, जब मैं कोई बात कहता हूँ तो गारंटी से कम नहीं होती है।
और इसीलिए मैं थॉट लीडर्स वाली बात कर रहा हूं। थॉट लीडर्स एक नए डायमेंशन बना सकते हैं जिसे बाद में दुनिया फॉलो करें। हम कुछ डोमेन्स में थॉट लीडर बने भी हैं, जैसे यूपीआई हमारी थॉट लीडरशिप का परिणाम है जो आज डिजिटल पेमेंट सिस्टम में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इवन कोविड के समय हमने कोविन का जो इनिशिएटिव लिया था, आज भी विश्व उसकी चर्चा करता है। ऐसा वक्त है कि हमें टेक्नोलॉजी के एक्सेलेंट एडॉप्टर और इम्प्लीमेंटर सर के साथ साथ टेक्नोलॉजी का थॉट लीडर भी बनना ही होगा। भारत के पास यंग डेमोग्राफी की ताकत है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की ताकत है। मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लोगों, खासकर इसके युवा सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह इस दिशा में आए, आगे बढ़े। मैं आपके साथ हूं। आज एक ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, थॉट लीडर्स के रूप में आगे बढ़ने का ये ट्रांजिशन पूरे सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, और मुझे विश्वास है, और ये मेरा विश्वास आप लोगों की क्षमता के कारण है, मेरा विश्वास आपके सामर्थ्य पर है, आपकी क्षमता पर है, आपके समर्पण पर है, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं देश के, दिल्ली के अगल बगल के इलाके के नौजवानों से आग्रह करूंगा कि वो भारत मंडपम में आए और ये जो एग्जीबिशन लगा है, जिसकी टेक्नोलॉजी में रुचि है, टेक्नोलॉजी भविष्य में जीवन में कैसे नए नए क्षेत्रों को छूने वाली है, उसको समझने के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं सबसे आग्रह करूँगा, मैं सरकार के सभी विभागों से भी आग्रह करूँगा कि उनकी जो टेक्नोलॉजी की टीम हो वो भी यहाँ आकर इन चीज़ों को देखे। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद।